नमस्ते दोस्तों, मेरे ड्राइव विथ विलास मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज जानेंगे क्लच कंट्रोल्स काफ़ी ज़रूरी है ड्राइविंग करते समय। क्लच कंट्रोल, गियर कॉम्बिनेशन, क्लच और गियर का कॉम्बिनेशन कैसे बनता है उसके बारे में सारी जानकारी दूंगा। क्लच कहाँ यूज़ करना है, टर्न पे क्लच कैसे यूज़ करना है और गियर कब यूज़ करना है, एक्सलेटर कब देना है, देना या नहीं देना है, गाड़ी जगह पे से उठाते कैसे है और जगह पे रोकना कैसे है, और ट्रैफिक में क्लच कब दबाना होता है और ट्रैफिक में क्लच का यूज़ करना है या नहीं करना है। बिगनर्स भाइयों के लिए बता रहा हूँ, कॉन्फिडेंस से गाड़ी चलाना सीखते जाइए। कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो गाड़ी नहीं चला पाओगे। गाड़ी पे जब बैठते हो तो डर नहीं रहना चाहिए, डर रहेगा तो गाड़ी नहीं सीख पाओगे। अगर लर्निंग लाइसेंस निकला है आपका तो खुले रोड पे या खुले मैदान पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, और प्रैक्टिस के लिए जाते समय कोई ट्रेनिंग देने वाला, कोई अच्छा ड्राइविंग करने वाले बंदे को लेके जा सकते हो आप। और गाड़ी अपने आगे वाले शीशे पे, पीछे वाले शीशे पे यल लगा हुआ होना चाहिए, यल रेड अक्षर में होना चाहिए। और ये याद रखना है, कोई साथ में लेके जाइए और दो चार दिन सीखिए, उसके बाद मेरे वीडियो देखते जाइए, आपको फुल्ली कॉन्फिडेंस दूंगा, पूरी जानकारी देता रहूंगा। क्लच, ब्रेक, एक्सलेटर, गियर कॉम्बिनेशन, हैंड ब्रेक सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में, और हर वीडियो में सब कुछ अच्छा ट्रेनिंग दूंगा, क्योंकि मैं ड्राइविंग स्कूल का ट्रेनर हूँ और खुद भी ट्रेनिंग देता हूँ पर्सनल। और मेरा नंबर वीडियो में डाल दूंगा। और पुणे में कोई ड्राइविंग कर रहा है, कोई सीखने वाला बिगनर है, लर्निंग करना है ड्राइविंग का, तो मुझे कॉल कर सकते हो, आपके गाड़ी पे मैं खुद आके आपके खुद के गाड़ी पे ड्राइविंग का ट्रेनिंग दे सकता हूँ। पुणे में ओनली, पुणे के अलावा बाहर नहीं जा सकता, मैं पुणे महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। तो ये याद रखना है बिगनर्स, कॉन्फिडेंस से गाड़ी चलाना है। मेरे वीडियो देखते रहिए, सब कुछ जानकारी मिलेगी आपको, सब कुछ बताऊँगा, हर गाड़ी का बताऊँगा। डस्टर है, स्विफ्ट है, सब कुछ है, सारे गाड़ियाँ हैं। सेवेंथ गियर की गाड़ी है, सिक्स गियर की गाड़ी है, फोर्थ गियर की गाड़ी है, मतलब किस गाड़ी में चार गियर है, किस गाड़ी में छः गियर है, किस गाड़ी में सात गियर है, उसके बारे में भी बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, ये होता है ये बी और ये सी। ये फॉर एक्सलेटर, बी फॉर ब्रेक, सी फॉर क्लच। एक्सलेटर है, ब्रेक है और ये क्लच है। और ये क्लच का यूज कब होता है, ये क्लच पूरा दबाना होता है जब भी गियर शिफ्ट करते हो आप। गियर जब भी शिफ्ट करते हो ना, ये पूरा फ्लोर को टच होना जरूरी है। और ये ब्रेक दोनों का यूज राइट लेग से ही करना है। जब भी एक्सलेटर का जरूरत होता है, इधर आना है, अपनी एडी नीचे ही रखना है और ये पंजे से यूज करना है। जब भी एक्सलेटर का काम हो गया, ब्रेक का जरूरत आया, तो क्या करना है, एक्सलेटर और ब्रेक का दोनों का एक ही टाइम में यूज नहीं हो सकता, क्योंकि जब भागना होता है तब रोक नहीं सकते, जब रोकना होता है तब भाग नहीं सकते, इसलिए ये राइट लेग से दोनों का यूज करना है। तो फ्रेंड्स, तो स्टेप बाय स्टेप जानिए और समझिए, एक्सलेटर का काम होते ही ब्रेक जब भी दबाते हो तब ब्रेक को हल्का टच करना है, पूरा ऐसा पैर उठा के नहीं दबाना है। पैर उठा के दबाओगे तो गाड़ी एकदम से रुक जाएगी रोड पे। तो एडी नीचे रखो और पंजे से यूज करो ब्रेक को, तो ठीक है फ्रेंड्स। और ये क्लच को ऐसे ही यूज करना है, वी शेप में यूज करना है ऐसे, ठीक है। चलिए अभी मैं गाड़ी स्टार्ट करके आपको आगे का बताता हूँ। तो अभी बेसिक गियर डाल के बताता हूँ। गियर सात गियर की गाड़ी है, ये रेनॉल्ट डस्टर, इसके सिंपल गियर डाल के आपको बताता हूँ, और उसके बाद स्टार्ट करके क्लच, एक्सलेटर और गियर का कॉम्बिनेशन बताता हूँ, ठीक है। गियर डालते समय ये चेक करना होता है न्यूट्रल है क्या, न्यूट्रल में से लेफ्ट जाओ आगे कर दो, फर्स्ट न्यूट्रल में से अपना सॉरी फर्स्ट में से न्यूट्रल आओ, लेफ्ट करो सेकेंड, सेकेंड में से न्यूट्रल जाओ, न्यूट्रल हो गया, सिंपली आगे पुश कर दो थर्ड, थर्ड में से सिंपली न्यूट्रल आके पीछे कर दो
फोर्थ में से फिफ्थ जाने के लिए न्यूट्रल कर दो, राइट करो, आगे कर दो फिफ्थ, सिक्स डालना है, न्यूट्रल कर दो, राइट कर दो सिक्स। अभी आता है रिवर्स की बारी। रिवर्स के लिए इसको ऊपर उठाना है, नीचे से ऊपर उठा के लेफ्ट करके आगे करना होता है, तब रिवर्स जाके गिरता है डस्टर का। गियर के बारे में बेसिक बताया, बाकी अभी क्लच यूज कैसे करते हैं और गियर कॉम्बिनेशन क्लच कॉम्बिनेशन बताता हूँ, ठीक है। देखो अभी ये की लगा रहा हूँ मैं गाड़ी में, ये देखो की ऐसे लगाना होता है, अभी ये की लगाने के बाद इग्निशन ऑन करना होता है एक बार, ये हो गया पूरा सिस्टम ऑन हो गया गाड़ी का, इग्निशन मतलब इंजन का सिस्टम ऑन हो गया सारा, ठीक है। तो अभी अपन को गाड़ी को सेल्फ स्टार्ट करना है, ठीक है। तो इसको चाबी को एक बार घुमाना होता है, क्लॉकवाइज एक बार घुमाओ, फिर एंटी क्लॉकवाइज छोड़ दो, तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। और पीछे लेके दिखाता हूँ, आगे लेके दिखाता हूँ। देखो अभी चाबी घुमा रहा हूँ, ये हो गया, ये देखो ये स्टार्ट छोड़ दिया, गाड़ी स्टार्ट हो गया अपना। अभी स्टार्ट होने के बाद आरपीएम मीटर का काटा ऊपर जाता है, ये स्टार्ट हो गई गाड़ी। अभी स्टार्ट होने के बाद कोई भी गाड़ी 1 to 5 के रेंज में रनिंग होता है विदाउट एक्सलेटर। तो देखो मैं अभी क्लच छोड़ के एक्सलेटर ना देके क्लच से ही गाड़ी जगह से हिला के दिखाऊंगा। ध्यान से वीडियो को देखो, एक्सलेटर का पैर हटाया, अभी गाड़ी अपनी चालू है। तो देखो अभी मैं क्लच पे पैर रखा हूँ, पूरा दबाया क्लच, ठीक है फ्रेंड्स। पूरा ध्यान से देखो क्लच का कॉम्बिनेशन कैसे करता हूँ। अभी गाड़ी रिवर्स ले रहा हूँ, आगे भी जाओगे तो एक्सलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, पीछे भी जाओगे तो एक्सलेटर की ज़रूरत नहीं होती। हर गाड़ी में सेम फीचर रहता है, क्योंकि जगह से उठाने के लिए गाड़ी को एक्सलेटर की ज़रूरत नहीं है। तो जगह से उठाने के लिए सिर्फ क्लच का कॉम्बिनेशन जमाओ। क्लच को देखो धीरे 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 पैर को उठाना है, धीरे धीरे, ये एड़ी अपनी नीचे ही रखना है, थोड़ा 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 पैर उठाना है, हल्का सा गाड़ी अपनी निकलना शुरू हो गई है। आपको मैं थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ गाड़ी कैसे हिल रही है। देखो हिल रही ना, क्लच पे ही कर रहा हूँ मैं और थोड़ा सा ब्रेक को टच कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा स्पीड ले रही है खाली क्लच पे, एक्सलेटर का तो यूज़ है ही नहीं। देखो अभी मैं क्लच पूरा दबाया, अभी ये फर्स्ट गियर डालता हूँ लेफ्ट आगे की ओर, फर्स्ट गियर। अभी ये क्लच को धीरे से रिलीज करता हूँ, तो ब्रेक छोड़ दिया, एक्सलेटर नहीं दे रहा हूँ, क्लच को धीरे 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 छोड़ता हूँ। तो देखो गाड़ी आगे निकलना स्टार्ट हो गई है, ऐसा होता है क्लच का। खाली क्लच पे गाड़ी हिलती है 5 के स्पीड तक, 0 से लेके 5 के,
और ये डस्टर गाड़ी का गियर है, अभी रिवर्स डाल के और रिवर्स लेके दिखाता हूँ फिर से। पूरा क्लच दबाया, अभी ये गियर के तरफ जाते हैं। डस्टर का ऐसा है, इसको ऊपर उठा के लेफ्ट करके आगे करना होता है, तब रिवर्स लगता है। तो रिवर्स में गाड़ी धीरे 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 नीचे जा रही है। देखो, और ध्यान से कॉम्बिनेशन मिलाना है क्लच का, तभी गाड़ी जगह से हिल जाती है। अभी देखो, फर्स्ट गियर लगाता हूँ, न्यूट्रल कर दिया, नॉर्मल लेफ्ट, आगे फर्स्ट। देखो अभी सारा क्लच पे ही खेल है, थोड़ा थोड़ा क्लच छोड़ रहा हूँ, एक्सेलेरेटर की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा क्लच छोड़ रहा हूँ। अभी गाड़ी आगे चल रही है, 50% क्लच छोड़ना है। दबाओ, हल्का ब्रेक दबाओ, ये हो गया, रुक गया गाड़ी। अभी अपन गाड़ी का गियर न्यूट्रल कर देते हैं, ये हो गया न्यूट्रल, ये हो गया हैंड ब्रेक ऊपर। अभी ये दोनों गियर न्यूट्रल करके हैंड ब्रेक ऊपर करके फिर क्लच का पैर छोड़ देना है, फिर ब्रेक भी छोड़ देना है। तो ये होता है क्लच का कॉम्बिनेशन। तो दोस्तों, ट्रैफिक में यही फंडा यूज़ करना है क्लच का। समझो आगे गाड़ी आया, ट्रैफिक में हो तो एक्सेलेटर का यूज़ करना ही नहीं है, फर्स्ट गियर में लेके जाना है। ट्रैफिक में फर्स्ट गियर में ऐसे डाल देना है, फर्स्ट गियर में डालने के बाद क्लच को आधा अंदर दबा के थोड़ा थोड़ा छोड़ना है। जब गाड़ी आगे की रुकती है तो अंदर दबाओ, तो गाड़ी आगे की चलती है तो थोड़ा सा पैर उठाओ, लेकिन पूरा पैर नहीं उठाना है, एड़ी नीचे रखना है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन करना होता है रास्ते पे ट्रैफिक में चलते समय, और जगह पे उठाते समय भी सेम कॉम्बिनेशन करना होता है। एक्सेलेटर का जरूरत जब पड़ता है तब पड़ता है कि आप जब स्पीड लेना चाहोगे, जब 40, 30, 40, 50 ये स्पीड अगर पकड़ना है तभी ये एक्सेलेटर की ज़रूरत पड़ती है। या तो धीरे धीरे चलना होता है ट्रैफिक में, कम रनिंग में, तो एक्सेलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ब्रेक और क्लच का इस्तेमाल करो, और ब्रेक का इस्तेमाल करते समय क्लच दबा के ही करना है, ये याद रखना है। जो भी जानकारी दी है वो आप बिगिनर्स के लिए है। आज के वीडियो में क्लच, ब्रेक, एक्सेलेटर और गियर ट्रैफिक में कैसे चलाते हैं इसके बारे में बता दिया है। और कोई जानकारी देना रह गया हो तो कमेंट में बता सकते हो, और ऐसे ही टॉपिक्स पे वीडियो बनाता रहूँगा, आपका सपोर्ट रहेगा। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।